तो वेलकम टू माय चैनल, शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। जैसे कि आज ईद, बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम उम्मत मुस्लिम है वो ईद मना रहे हैं, ईद उल अज़हा जिसे कहते हैं। जब हम छोटे होते थे वो कहते थे मीठी ईद है, नमकीन ईद है, तो आप इसको मीठी ईद, आप इसको नमकीन ईद कहें, आप इसको ईद उल अज़हा कहें, आप इसको कुर्बानी की ईद कहें, जिस जो भी कहें। मेरी तरफ़ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अपनी इन ईद की खुशियों में उन लोगों को भी ज़रूर याद करें जो जो अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं मना रहे या इस दुनिया में ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग, नाम लेने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा जब भी क्रिसमस होता है, थैंक्सगिविंग होता है, कोई ख़ास दिन होता है, दिवाली होती है, ईद होती है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ईद मनाएं, खाना खाएं, जैसे ये ईद तो होती है बैठ के खाना की, गोश्त खाने की, तो अगर आपकी सारी टेबल पे, सारी कुर्सियों पे लोग बैठे हैं और एक्स्ट्रा भी लोग बैठे हैं, तो जितना भी ऊपर वाले की ज़ात का शुक्र अदा करें वो कम है। और उन लोगों को याद रखें जिनके घर में शायद एक कुर्सी या दो कुर्सी या उससे ज़्यादा कुर्सियां खाली हैं, कि उनके प्यारे उनके साथ इस ईद पे नहीं हैं। अभी मैं किसी का व्लॉग सुन रही थी तो वो अरशद शरीफ को याद कर रहे थे और बहुत सारी बातें उनके बारे में कर रहे थे, तो दिल बहुत दुखा। वो एक जो ज़िले शाह, उस वो याद आया मुझे, मेरा अपना बेटा, तो वो तो ज़ाहिर हर वक्त साथ ही रहता है, दिल की धड़कन है हमारी। तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे भी ईद मनाएं अपनी फैमिली के साथ, आप अपने मुल्क में हैं, आप मुल्क से बाहर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपको मेरे चैनल की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और इन खुशियों में अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो ईद आपकी तरह नहीं मना सकते, आप उनको भी शामिल करने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है अपनी खुशियों में। वो कहते हैं खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं और दुख समेटने से सिमटता है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ समेटने की, पर क्या समेटूँ। तो एनीवे, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल कीजिए और बहुत सारी ईद मुबारक, ऊपर वाला सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे और अपनी फैमिली के साथ ईदें, अपने प्यारों के साथ ईदें मनाने का मौका दे, ये ज़िंदगी दे सबको कि वह सब मिलके अपने अपने प्यारों के साथ ईदें मना सके। तो अपनी ईद में दूसरों को भी शामिल कीजिए। एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। किसी ने अच्छा बीज बो दिया है तो उसको पानी तो दे ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और खुश रहें, ऊपर वाला सबका निगेबान। एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक।